एनसीईआरटी फिजिक्स बाय रंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये क्लास 6 का की एनसीईआरटी का 10 चैप्टर होता है। इस चैप्टर में पहले हम लोग ने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ लिया। आज से हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन दूसरे बार का टॉपिक होने वाला है। हम लोग आज पढ़ेंगे अपने आसपास के मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के मूविंग थिंग्स अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्टेड टेबल 10.4। टेबल 10.4 को कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें क्या है कि हम लोग आसपास की जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में लिखेंगे। दीज मे इंक्लूड ए स्कूल बैग, ए मॉस्क्यूटो टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर और पीपल मूविंग अबाउट। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे स्कूल का बैग हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, टेबल हो गया, पीपल जो चेयर पे बैठे हैं या मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका बटरफ्लाई हो गया, डॉग हो गया, काउ हो गया, योर हैंड, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, ए फैक्ट्री, ए पीस ऑफ ए स्टोन, ए हॉर्स, ए बॉल, ए बैट, ए मूविंग ट्रेन, ए स्विमिंग मशीन, ए वॉल क्लॉक और द हैंड ऑफ ए क्लॉक। इससे आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं इस लिस्ट में। विच ऑफ द थिंग्स आर मूव और विच आर रेस्ट, जैसे कि हॉर्स, ठीक है, हाउस हो गया, आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में चला गया, ऑब्जेक्ट इन मोशन में फ्लाइंग बर्ड हो गया, टेबल ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट में हो गया, और सेकेंड चीज़ हो गया आपका, जैसे सेकेंड का हैंड जो होता है क्लॉक का, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट एक मोशन में हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्लॉक है, क्लॉक आपका रेस्ट में हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और एट रेस्ट, आप कैसे डिसाइड करेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई चीज़ जो है रुकी हुई है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, आप देखे होंगे कि चिड़िया एक जगह न थी, वह जो है कुछ देर के बाद अपना पोजिशन चेंज कर ली। वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, जबकि टेबल अपनी जगह ही पे था। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, किसी में चेंजिंग आया तो उसको मोशन में कहेंगे। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली, आप अब देखेंगे जो एंट का मोशन होता है उसको ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी 6 है, सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट, वैसी जगह जाएं जहाँ आपने चींटियों को देखा हो। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप द लाइट लिटिल शुगर ऑन इट, क्या करें कि चींटियों के झुंड को देखने के लिए क्या करें कि एक प्लेन पेपर वाइट वाली जो है उसको फर्श पे रख दीजिए और उस पर कुछ चीनी के डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या, हाँ, एंड आर लाइकली टू बी अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी एंट्स क्रॉलिंग ऑन द सीट ऑफ पेपर सून, कहीं से कुछ चींटियों का झुंड जो है वहाँ पे रेंगता हुआ पहुँच जाएगा। फॉर एनी वन एंड ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क ऑन अ पेंसिल इट्स अ पोजिशन वैन एट जस्ट क्रॉवल ऑन द सीट ऑफ पेपर, जब चींटियाँ रेंग रही हों तो उसमें किसी एक चींटी को मार्क करते हुए और आप कोशिश कीजिए कि उसके पोजिशन को आप शो कर सके, जैसा कि फिगर में दिया हुआ, देखिए फिगर है, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से चींटी के पोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है।
आफ्टर सम टाइम, ठीक है, सेक द पेपर ऑफ द ट्री फ्री टू द शुगर एंड द आंट। अब क्या कीजिए, उस पेपर को से चींटी और चीनी दोनों हटा दीजिए। विथ हैरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ इन विच द एंट वॉज। आपने देखा होगा एंट अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ईच पॉइंट यू हैव मार्क ऑन वेयर द एंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ अ फ्यू सेकेंड। कुछ ही सेकेंड में आपने देखा कि वो अपने पोजिशन को हमेशा चेंज करते रहती है। मोशन सिम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन टाइम, इज नॉट इट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजिशन जो है वह समय के अनुसार बदल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन। इन एक्टिविटी फाइव वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, ए सेविंग मशीन, ए इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ग्रुप जो एक्टिविटी करनी थी एक्टिविटी फाइव में, तो आपने सेविंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन जैसी चीज़ों को किस ग्रुप में रखा था। आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग वन प्लेस टू वन अदर, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। नो, डू यू नोटिस मोमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, कोई ऐसा पार्ट हो जो उसमें मूव करता हो। द ब्लेड ऑफ फैन ऑन द हैंड ऑफ क्लॉक, हाउ आर दे मूव, वो कैसे मूव करते हैं। इन इज देयर मोमेंट सिमिलर टू द दैट ऑफ एंट और ए ट्रेन। तो यही बातें आपके सिमिलर हैं चींटियों और ट्रेन के साथ। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइम ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। अब ये है कि हम लोग अगला जो वीडियो हम लोग जानेंगे उसमें जानेंगे कि क्या सभी मोशन एक तरह के होते हैं या मोशन में भी कुछ प्रकार पाए जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।